नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीसी क्लास वर्कशीट 59 28/11/2020 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9। जो आपका ये वर्कशीट है वो आपके पैकिंग पार्ट से लिया गया है। अगर आपको ध्यान ना हो तो वर्कशीट 58 देखेंगे। तो एक नॉवेल थी थ्री मैन इन अ बोट, इसका एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है क्लास 9 में और इस एक्सट्रैक्ट का नाम, इस लेसन का नाम रख दिया गया है पैकिंग। ठीक है, तो काफी फनी आपकी वीडियो और ये चैप्टर था, इसे एक बार पढ़िएगा। और जो इसका दूसरा पार्ट आया है 59 में, 58 में कंप्लीट नहीं कर पाया तो 59 में थोड़े इसके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है जिसे अगर आप आसानी से यहां से देख के कर सकते हैं और वो भी इसी एक्सट्रैक्ट के ऊपर है। अगर आपने 58 नहीं देखा तो फिर भी देख लीजिएगा क्योंकि काफी हेल्पफुल रहेगा आपके पास, आपके लिए। और 59 इसके बाद है आपका। ठीक, और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक सपोर्ट मटेरियल दिखा देता हूँ जो सभी बच्चों के पास होगा 9th क्लास में। ठीक है, किताब तो सबने नहीं ली होगी लेकिन सपोर्ट मटेरियल सबके पास होगी। 2020-21 ये इंग्लिश की सपोर्ट मटेरियल है आपकी। ठीक है, अब प्रोज में देखेंगे आप तो पहला चैप्टर का जो मेरे पास वर्कशीट नहीं थी तो कन्फर्म नहीं है पहले चैप्टर को लेकर, दूसरे द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसमें दो चैप्टर थे दोनों करा दिए गए हैं। द लिटिल गर्ल, द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये सब आपको करा दिया गया है। तो आपका 7th चैप्टर चल रहा है पैकिंग। ठीक है, 73-76 पेज नंबर पे है, मैंने लिख दिया है, आप अंदर भी देख सकते हैं। और द रोड नॉट टेकन, फर्स्ट विंड, रेन ऑफ ऑन द रूफ, ये सब कर चुके हैं। जिस पर टिक लगा ले वो कर चुके, फोर्थ नहीं है आपका। नो मैन आर फॉरेन, ये लास्ट में यही किया था हमने। और आपके जो मोमेंट बुक है सप्लीमेंट्री रीडर में से, द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवर्टीज, जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर में का है। ठीक है, मोमेंट्स का द लॉस्ट चाइल्ड ये भी कर चुके हैं, द सप्लीमेंट्री रीडर की बात करें तो आपका जो है इसमें जो मोमेंट्स में से द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो, ठीक है, तीसरा चैप्टर नहीं है आपका, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जो गुरु चेले थे, ठीक है, ये वाला कर चुके हैं। लास्ट टाइम पे हमने द हैप्पी प्रिंस किया था जिसने अपनी सारी जो मोती थी एक पक्षी के थ्रू, ठीक है, सब कुछ अपने आप को दिलवा दिया लेकिन उसका हार्ट नहीं चल पाया था। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें मैं आपको समझाने में सही समझा रहूंगा ताकि आपको क्लियर हो कि आप जो वर्कशीट कर रहे हो कौन सी कर रहे हो, कौन सी हो चुकी कौन सी नहीं हुई है। और सारी जो वर्कशीट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आसानी से। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट 59। आई सेड आई वुड पैक, तो यहाँ पे आई कौन है आपको पता है? आई अगर मैं यहाँ पे साइड में लिख दूं, आई कौन है? जेरोम, जे ई आर ओ एम ई, जेरोम। ठीक है, क्योंकि जो राइटर है उसी का है ये वाला आपका, अगर आपको दिखाऊं तो ये रहा आपका। ठीक है, एस जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज, ये तीन दोस्त थे। ठीक है, जेरोम है ये जो आई है। आई सेड आई वुड पैक, जेरोम कहता है कि मैं पैक करूंगा, आपका भाई पैक करेगा। ठीक है, रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन पैकिंग, मुझे अपने पैकिंग करने के तरीके पे गर्व है। ठीक है, मुझे अपने जो पैकिंग करने का स्किल है इसके ऊपर मुझे गर्व है अपने ऊपर। पैकिंग इज वन ऑफ द दोज मैनी थिंग्स, ये पैकिंग उन चीजों में से, बहुत सारी चीजों में से एक चीज है, दैट कि आई फील, मैं महसूस करता हूं, अनुभव करता हूं, आई नो मोर अबाउट देन इस एनी अदर पर्सन लिविंग, मतलब मैं दूसरे, मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं दूसरे जो व्यक्ति हैं उनसे काफी अच्छी पैकिंग करता हूं। अपनी आप की बड़ाई कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है, यहां देखो ब्रैकेट में दिया गया यहां से लेके यहां तक, तो ये अपने मन में ये बातें सोच रहे हैं। तो क्या है इसका मतलब? इट सरप्राइजेस मी माई सेल्फ, और ये मुझे आंसर चकित कर देता है समटाइम, कुछ समय, हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर, यहाँ पे कितनी सारी चीजें हैं जो मुझे आती हैं। अपनी आपकी बड़ाई कर रहा है, ब्रैकेट में लिखा गया है। ठीक है, कि इसे मुझे पैकिंग करना आता है, मैं सबसे अच्छी पैकिंग कर लेता हूँ, जितने भी संसार में लोग हैं उनसे अच्छी पैकिंग कर लेता हूँ। और वैसे भी आपने जो इसके फर्स्ट पार्ट है उसमें देखा था 58 वर्कशीट में कि भाई साहब ये भी पैकिंग करने में खास नहीं रहे। तो आगे पढ़ते हैं, काफी फनी स्टोरी है ये। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जेरोम एंड हैरिस, जो इसके दो दोस्त थे जॉर्ज एंड हैरिस, and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. और इस fact से काफी impressed है वो, और जेरोम जॉर्ज और हैरी से कहता है, told them, उनसे कहता है that they had better leave the whole matter entirely to me. और सारा जो packing का सौदा है आप मुझे, मेरे ऊपर छोड़ दो, आपका भाई है। ठीक है, जॉर्ज मतलब जेरोम क्या कहता है जॉर्ज और हैरिस से, सारे जो पैकिंग का मामला है ना सब छोड़ दो, मैं हूं ना आपका भाई है, आपका भाई पैक करेगा। ठीक है, ऐसे फ्रेंड में चलता है ना, तेरा भाई पैक करेगा। देखो आगे होता क्या है,
फेल इन टू अ सजेशन, और ये दोनों दोस्त जॉर्ज और हैरिस तुरंत मान लेते हैं, फेल इन टू तुरंत फेल मतलब उसके एक्सेप्ट कर लेते हैं, तुरंत मान लेते हैं विद द रेडनेस। तो आप ये कह सकते हो कि वो जो जब ये हैरिस कहता है, सॉरी जेरोम जब कहता है इस बात को कि मैं पैकिंग करूंगा तुम सब छोड़ दो, ये तुरंत मान जाते हैं, ठीक है बहुत अच्छी बात है, आप पैकिंग करो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हैड दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, और वो इस प्रकार से मानते हैं जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। और लेखक ने कहा यह बड़ी जल्दी सब मान गए, बहुत अच्छी बात है। आगे होता क्या है, जॉर्ज स्पेयर्ड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, ठीक है। अब देखो दोस्त दोस्त तो होता, अब जॉर्ज ने पैर पसार के आराम, जो झूले वाली कुर्सी होती है उस पर आराम से पसार के सो गया, क्यों, क्योंकि जेरोम ने कह दिया हम पैकिंग करेंगे आपका भाई, तो ये पैर पसार के फैल गए। और वही हैरिस, जेरोम पैर पसार के फैल गए और हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल, और वे भी टेबल पे पैर रख के, पैर के ऊपर पैर रख के ये भी आराम से पसर गए। क्यों क्यों पसर गए, इनको तो और अच्छा मौका मिल गया कि अच्छा जेरोम पैकिंग करेगा, अच्छी बात है करो भैया कोई बात नहीं, हम तुम्हारा साथ दें आराम से करो, हम आराम कर रहे हैं इधर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस वॉज हार्डली, ये इतना दुखदायक था, वट आई इंटेंडेड, ठीक है, क्या मेरा यही इरादा था, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो लेखक ने यही सोचा था ना, कि आगे भी लिखा गया है कि मैं पैकिंग करने में माहिर हूं, इनसे मैं सामान मंगाऊंगा और मैं अच्छे से बैग में मैं पैक करूंगा, लेकिन होता नहीं है। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड, ये बहुत ही दुखदायक था, क्या मेरा यही इरादा था, वट आई हैड मीन, क्या मेरा क्या मतलब था, ऑफ कोर्स वट दैट आई शुड बॉस द जॉब, मुझे इस काम का बॉस होना चाहिए था, मतलब पैकिंग के काम का मुझे तो बॉस होना चाहिए था, और बॉस का क्या मतलब है, छोटे जो उसके अंडर काम करते हैं उनको ऑर्डर देने का काम होता है। अगर आपको दूसरी वर्कशीट में दिखाऊं, देखो इस वाली वर्कशीट में 58 में भी दिखाया गया था, ठीक है। वाइल ही रियलिटी, सच में क्या होता है, ही विशेस टू सिंपली सर्वाइव द पैकिंग सेशन वाइल मेकिंग हिज फ्रेंड डू द वर्क अंडर हिम, कि वो दोनों उसके अंडर में काम करेंगे। हाउ वे फिर भी क्या होता है, लिसन टू हिम लेट हिम हैंडल इट ऑल बाई हिमसेल्फ, उसे बाद में खुद ही हैंडल करना होता है, वाइल दे सिट एंड रिलैक्स, जो उसके दोनों दोस्त होते हैं आराम से सीट और रिलैक्स कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे आरामदायक चेयर पे बैठ के जाता है और ये टेबल अपने पैर रख के ये भी बैठ जाता है, हैरिस एंड जॉर्ज दोनों। अब भाई अब क्या करे, बॉस बनना चाहता लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज सुट पोटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन, ठीक है, जो हैरिस और जॉर्ज है वो मेरे एम्प्लॉय बन जाएंगे और जैसे मैं कहूंगा ये मेरे डायरेक्शन पर काम करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। अब क्या होता है, आई पुशिंग डैम असाइड एवरी, मतलब जो जितने भी सामान होते हैं उनको एक तरफ एक असाइड कर देता है पैर से अपने हाथ से, नाउ एंड देन विथ, और उसके साथ कहता ओह यू, अरे तुम यहां हो, चीजों कहता ना जो उसके पास सामान होते हैं, ओह तुम यहां हो, ओह हियर लेट मी डू इट, चलो मुझे करने दो मैं कर लूंगा, देयर यू आर, अच्छा तुम यहां हो, सिंपल इनफ, अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, रियली टीचिंग them, और जो ये आपका जेरोम था ना वो अपने दोस्तों को सिखा रहा था, इस वह में अपने सामान की पैकिंग कर रहा था कि वो हैरिस और जॉर्ज को समझा रहा था, देखो ऐसे पैकिंग होती है, उसने टीच कर रहा था, एज यू माइट से they are taking it in the way they did irritate me, और वे इस प्रकार से बातचीत कर रहे थे कि वो इरिटेट कर रहे थे किसे, लेखक को, देयर इज नथिंग, वहां कुछ भी नहीं था, डस इरिटेट मी, बस मुझे इरिटेट करने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था और वहां कुछ नहीं था, मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग, ठीक है, इरिटेट करने वाला कुछ तो नहीं था, और इससे दुखदायक क्या बात होती है कि ये देखना कि दूसरे जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं एंड डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं कर रहे हैं और वहीं मैं काम कर रहा हूं और मुझे इरिटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो काफी हास्यास्पद था। और जो इसके जो दोस्त थे जॉर्ज एंड हैरिस, ठीक है, जॉर्ज और हैरिस, तो इनको तो अच्छा मौका मिल गया, अच्छा भाई साहब चलो तुम पैकिंग कर लो हम तुम्हें ये मौका देते हैं, ठीक है, तो कहानी अच्छी थी। आगे पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, काफी सिंपल है, फोर ऑप्शन वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 वाले ऑप्शन है एमसीक्यू वाले, इसे भी आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला है, हाउ डिड रिएक्शन ऑफ हिज फ्रेंड सीम टू नरेटर
ठीक है, उनके जो दोस्त का रिएक्शन था कि जब नरेटर कहता है व्हेन दे फेल इनटू हिज सजेशन, उसके सजेशन मान लेते हैं ठीक है विद रेडीनेस, आमतौर पर जब आराम से उसकी बातों को मान लेते हैं, तो कैसा था? यूजुअल, आमतौर पर ऐसे ही होता था? नहीं, प्रेजेंट या सुखदाई था? ऐसा नहीं था, स्ट्रेंज, काफी अजीब था। इसका आंसर सी आएगा, काफी अजीब था। इसका आंसर ये नहीं आएगा, ये वाला नहीं है दोनों, ये वाला, क्योंकि उसके लिए काफी, ये तो मतलब ये इतनी जल्दी मान कैसे गए, और क्योंकि उसके दिमाग में बॉसपन वाला चल रहा था जेरोम के, ये बात दोनों के उस फ्रेंड के दिमाग में नहीं चल रही थी, और उनके फ्रेंड के दिमाग में बात ये चल रही थी, अच्छा तुम पैकिंग करोगे, कोई बात नहीं मान लेते हैं। तो वो इसी बात को स्ट्रेंज, यहाँ पे स्ट्रेंज आएगा ठीक है, काफी अजीब था। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट नॉट ट्रू, ठीक है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो सच नहीं है अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट के जो आपके ऊपर जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसमें कुछ बातें कही गई हैं, और नीचे चार ऑप्शन है, इसमें से कुछ बातें सच नहीं है, उसको आपके हिसाब से टिक करना है, कौन सी बातें सच नहीं है। तो थोड़ा बहुत पसीना हो रहा है, ये थोड़ा सा जो ब्लर हो रहा है इस वजह से हुआ ये। तो पढ़ते हैं, द नरेटर इज प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल, क्या उसे अपने पैकिंग स्किल प्राउड था? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। नॉट ट्रू अकॉर्डिंग बताना ठीक है। जॉर्ज एंड हैरिस वांटेड टू हेल्प द नरेटर, क्या उसका वो हेल्प करना चाहते थे? बिल्कुल नहीं, उनको तो मौका, उनको तो यही चाहिए था कि नहीं। द नरेटर वॉज हैप्पी अबाउट डूइंग द पैकिंग विदाउट एनी हेल्प, क्या वो खुश था बिना किसी हेल्प के? अरे वो कैसे खुश होगा भाई, वो बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि सब उसके ऑर्डर पे काम करे, लेकिन नहीं, उसे पैकिंग अकेले करने पड़ी, तो हैप्पी नहीं था। तो ये भी, ये सच बात नहीं है, ये भी सच बात नहीं है। द नरेटर हैड एक्चुअली वांटेड टू हेल्प हिज फ्रेंड इन पैकिंग, क्या नरेटर सच में उनका पैकिंग के हेल्प करना चाहता था? अरे नहीं, वो अपना वो दिखाना चाहता था, मैं सबसे अच्छा पैकर हूँ, ठीक है, वो हेल्प नहीं, वो अपने आप को दिखाना चाहता था। तो ये तीनों बात गलत है ठीक है। तो कौन कौन सी बात गलत है आपकी? सेकेंड थर्ड फोर्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो यही है इसका आंसर जो आएगा आपका बी आएगा ठीक। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट को एफ से दिखाना है एंड ओपिनियन ओ से दिखाना है। फैक्ट जो है सच में, और ओपिनियन हाँ आपके हिसाब से, हाँ ये भी, हाँ ये भी है और वो भी, ओपिनियन उसे कहते हैं, दो की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन फैक्ट में हमेशा वही होगा, एक ही होगा, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, फैक्ट है, इसमें ओपिनियन नहीं। अरे नहीं नहीं, सूरज के नहीं चक्कर लगाती, ये चंद्रमा के चक्कर लगाती है, ऐसा नहीं है ठीक है। तो फैक्ट सबके लिए एक जैसा होगा, ओपिनियन हाँ या ना में हो सकता है। तो पहला है, द नरेटर डिड नॉट वांट टू डू दिस पैकिंग, वो नरेटर पैक करना नहीं चाहता था, बिल्कुल सही फैक्ट है ये, वो पैक करना नहीं चाहता था, वो बस ऑर्डर करना चाहता था ठीक है, फैक्ट है ये, बिल्कुल सही बात है। जॉर्ज एंड हैरिस आर लेजी, क्या लेजी थे? ये देखो आपका ओपिनियन है, आपको ये नहीं बता सकते वो लेजी थे कि नहीं थे, लेकिन हो भी सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन ये ओपिनियन हो सकता है आपका, ये ओपिनियन में जाएगा आपका, क्योंकि वो पैक करने में उसकी मदद भी कर सकते थे, लेजी नहीं थे, कुछ और भी काम कर सकते थे ठीक है। तो अगले में यही बात भी कह दी गई है, जॉर्ज एंड हैरिस आर नॉट हेल्पफुल, हेल्पफुल वो नहीं थे, देखो फैक्ट में नहीं हुआ, ये भी ओपिनियन में, हेल्पफुल थे कि नहीं थे, उनका सच में मन था कि नहीं था ठीक है, ये भी आपको ओपिनियन में जाएगा ठीक है। द नरेटर इज डिसप्लीज्ड विद हिज फ्रेंड, क्या जो नरेटर था दुखी था अपने दोस्तों के साथ? तो हाँ बिल्कुल, पैकिंग करते हैं, वो तो दुखी तो हो ही गया था ठीक है। तो ये भी आपका फैक्ट आएगा, एफ में आएगा ठीक है। तो आपको इसी हिसाब से भरना है, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ठीक है। फैक्ट ओपिनियन, फैक्ट ओपिनियन, फैक्ट ओपिनियन, फैक्ट ओपिनियन ठीक है। तो पहला फैक्ट है, हाँ फैक्ट है, दूसरा ओपिनियन, तो दूसरा ओपिनियन, हाँ तो पहला तो सही लग रहा है, देखते हैं और भी मैच करता है क्या। दूसरा फैक्ट है, मैंने तो ओपिनियन लगाया, तो ये दूसरा तो गलत हो गया, ये नहीं होगा ठीक है, ये तो पहले गलत। तीसरी में तीसरा फैक्ट है, तो तीसरा तो हमने ओपिनियन ले रखा है, तो ये हमारे लिए भी गलत हो जाएगा। फिर चौथा है, फोर्थ एफ फैक्ट ले रखा है हमने, फोर्थ एफ फैक्ट है, और पहला ओपिनियन, पहला ओपिनियन नहीं है हमारा, पहला फैक्ट ले रखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही है हमारे लिए ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, ठीक है, डज फेल इन टू नॉट क्रॉसपॉन्ड, क्रॉसपॉन्ड का मतलब है समान, समान अर्थ, ये समझ लीजिए, समान ही होता है वैसे, समान अर्थ आप लगा सकते हैं
और ऐसे शब्द आपके पेपर में हर बार आते हैं। अगर आपके पेपर में दिखाऊं तो देखो ये पैराग्राफ में से द वर्ड विच मीन्ट हैज द सेम, यहाँ पे सेम कह दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे अपोजिट, अपोजिट कह दिया गया है इंक्लूड का, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके पेपर में ये भी आते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे नॉट लगा दी, इस बात को ध्यान रखना है कि अगर इसे ढक दे तो फेल इनटू का समान अर्थ कौन कौन सा है, इस प्रकार से लगा लो पहले, ठीक है। समान अर्थ कौन सा है, तो फेल इनटू था, तो यहाँ पे देखो तो फेल इनटू इन पे आया था, दे फेल इनटू सजेशन, मतलब वो तुरंत बातों को उन्होंने मान लिया, चलो अच्छी बात है मान लेते हैं। तो मानना होता है एक्सेप्ट की तरह आएगा ये, तो एक्सेप्ट सही है, रिजेक्ट वेलकम भी सही है और एग्री भी सही है। मैंने नॉट के ऊपर लगाया, ठीक है, पहले जब भी नॉट वाला है नॉट को ढक लो आप इस प्रकार से, ठीक है। फेल इनटू क्रॉसपॉन्ड, कौन सा वर्ड इसके समान है, तो ये सारे समान है, अब नॉट आया है ये समान नहीं है, तो इस वजह से इसका आंसर बी होगा, रिजेक्ट। रिजेक्ट मतलब मना करना, उन्होंने मना तो किया ही नहीं था। तो नॉट वाला ध्यान से करना, कई बार बच्चे अर्थ समझ जाते हैं लेकिन उसका गलत कराते हैं ये वाला, ठीक है। तो पांचवा है, लास्ट है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नरेटर इज डिस्प्लेड, यहाँ पे किस प्रकार से नरेटर का वो दिखाया गया है, ठीक है। व्हेन ही डिस्क्राइब हिज स्किल पैकिंग, जो अपने पैकिंग के बारे में जिस प्रकार से वो बोल रहा है वहां पे किस प्रकार से दिखाया गया है, बोस्टफुल, ठीक है। बोस्टफुल का मतलब क्या होता है, डिंग मारना, डिंग मारना, बड़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है। ये क्या है, इफेक्शन का मतलब होता है कुशल, और ये है परफेक्शनिस्ट, और इसका मतलब होता है, इसका मतलब भी कुशल होता है एक प्रकार का, परफेक्शनिस्ट का मतलब भी, क्योंकि जो अपने आप में परफेक्ट होता है, ठीक है। हेल्पफुल, हेल्पफुल का मतलब होता है लाभदायक। तो कैसा था वो बंदा, वो अपने बारे में डिंगे मार रहा था भाई साहब, ठीक है, अपने बारे में डिंगे मार रहा था, तो इसका पांचवा का ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन, ठीक है। तो आपकी जो वर्कशीट है यहाँ पे खत्म हो जाती है, आपको इसी प्रकार से करना है, कोई अलग से लिखा हुआ क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा। और लास्ट में अगर मैं आपको ये दिखाऊं एसए वन का, माई सीबीएसई क्लास का पेपर जो है, तो यहाँ पे आपको मैं दिखाना पिछली बार भूल गया, आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है यहाँ देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, आंसर एनी द फॉलोइंग आंसर द 100 to 150 वर्ड्स, जो आया था ना आपका 100 to 150 वर्ड्स में दिखाने के लिए, तो 8 नंबर में आता है वो आपका, देख लो, जो आप कहते हैं छोटा करके सर जी लिखिए, छोटा करके लिखिए, अगर पेपर में आपको 8 नंबर के, आप इस हिसाब से आपको लिखे कि आपको खुद लग, नहीं मैंने 8 नंबर लग लिखा है, ठीक है। तो ये आपका इसी प्रकार से दिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो इसका भी लिख सकते हैं आप आंसर, और वैसे भी जो आपके वर्कशीट में ये करा ही दिया गया है, लगभग इसी प्रकार से है, ठीक है। और भी आप जैसे ही आपकी वर्कशीट खत्म होगी, मैं आपके ये जो पेपर है सारे सॉल्व कराना शुरू कर दूंगा, ताकि आपको पिछले साल के जो पेपर का जो अनुभव है वो भी हो जाए, और उसके आंसर भी आपको आसानी से मिल जाए, और जो इस साल पेपर होने वाले हैं उसके पैटर्न को भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आपको मुश्किल नहीं होगी, जैसे जिस प्रकार से वर्कशीट खत्म होती है मैं डायरेक्टली उसी पे आऊंगा, ठीक है। माय सीबीएसई क्लासेस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।